हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। तो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री और बेस्ट फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, उसके डेमो भी शेयर करता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के बहुत सारे ट्रिक, एक्सेल के बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, और भी न्यू अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है और जो कि बहुत ही यूज़फुल, डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है, उनके बारे में भी नॉलेज शेयर करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके काम का हो, यूज़फुल लगे आपको, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, धन्यवाद। तो किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके उसमें नया बैकग्राउंड डाल के आप उस फोटो को अपने व्हाट्सएप DP बना सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इवन आप उसको अपने ईमेल में यूज कर सकते हैं, या पोस्टर या टेम्पलेट बनाना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना होगा और यहाँ से जाके एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेना होगा, और जो भी फोटो जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है उसको सबसे पहले वहाँ पेस्ट कर लीजिए। जब हम फोटो पर क्लिक करते हैं तो एक नया पिक्चर टूल फॉर्मेट ओपन होता है, और इससे हम बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिसे हम फोटो को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि करेक्शन, कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स डाल सकते हैं, इस पे कुछ टेक्स्ट डालना हो अलग अलग स्टाइल में वो कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं आप फोटो को। तो ये बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, बट ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कुछ पार्ट को अलग कलर में कर देगा। तो ये जो कलरफुल पार्ट है इसको ये रिमूव करने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये हेयर के कुछ पार्ट रिमूव कर रहा है, और ये जो सूट है इसके कुछ पार्ट को रिमूव कर रहा है। तो इसको रिटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन है, मार्क एरिया टू कीप एंड मार्क एरिया टू रिमूव। सो ये एरिया हमें रखनी है, तो हम मार्क एरिया टू कीप को सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे एक पेन फॉर्म होगा, यहाँ पे पेन की तरह दिखेगा, उसको हम से लाइन कर देंगे जिस पार्ट को हमें रखना है। मल्टीपल टाइम हम मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे हो गया है, यहाँ हेयर वाल पार्ट में भी मूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो पार्ट चाहिए वो हमें मिल गया है। अब इस फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ कुछ पार्ट रह गया है, इस पर भी थोड़ा, यस। अभी यहाँ कीप चेंजेस करके है और एक एरो बना हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, बट आप देखेंगे फोटो में ये कुछ पार्ट जो है, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट हैं, ये भी रह चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल जेड नहीं क्लिक करेंगे, फोटो पर क्लिक करते हुए फॉर्मेट जाएंगे और फिर से रिमूव बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे, तो वो पार्ट जो रिमूव किया हुआ रहेगा वो पुराना शो कर देगा आपको। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मार्क एरिया टू रिमूव, ठीक है। तो मार्क एरिया टू रिमूव को क्लिक करेंगे और थोड़ा जूम कर लेंगे, और जिस पार्ट को हटाना है उस पार्ट पर थोड़ा क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ये पार्ट, मल्टीपल टाइम हमें ये करना पड़ेगा, एक बार करने से शायद से ना हो। ठीक है, अभी ये हमारा हो चुका है, अब कीप चेंजेस। तो ये देखिए फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह मूव हो चुका है, हम इस फोटो को कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसमें डिज़ाइन में जाके बैकग्राउंड कुछ भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, जैसे कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फोटो है। अभी इसमें देखिए इस फोटो में बैकग्राउंड जो है एकदम सॉलिड है, ठीक है। तो इस फोटो को क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं और रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, ये ऑलमोस्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। सॉलिड का मतलब होगा एक कलर डिफरेंस है दोनों, ठीक है। मार्क एरिया टू कीप, सम एरिया को हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो ये पार्ट हो गया। इस फोटो को कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। अब इस फोटो में हम एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, अब आप बैकग्राउंड कुछ ऐसा बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। यहाँ पे इस PPT पे रहते हुए हम डिज़ाइन में जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, ये ऑप्शन ओपन होगा, ये न्यू वर्जन वर्ड में है, ओल्ड वर्जन में अदर तरीके से यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ग्रेडियंट फिल में जाएंगे, ठीक है, ये अपने आप कुछ ग्रेडियंट ऐसे शो करेगा। यहाँ पे बहुत सारे हैंडल होंगे, यहाँ पे वो हैंडल को आप रिमूव कर सकते हो, हैंडल को नया हैंडल डाल सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो ऐसे कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कलर चूज करना चाहूँ तो वो कलर चूज करता हूँ, जैसे कि मैं ये कलर या सपोज येलो कलर ऐसे, और इसको थोड़ा करूँगा तो ये साइड में चेंज आएगा यहाँ पे बैकग्राउंड में।
ये थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो इससे ग्रेडियंट फील हो जाएगा बैकग्राउंड में। अभी आप इस पिक्चर पे जाइए और फॉर्मेट एंड पिक्चर स्टाइल है, डिफरेंट पिक्चर स्टाइल है, ठीक है। ये जैसे कि ऐसे, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी इस पिक्चर को कॉपी कीजिए और कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। इवन इस मेथड को यूज़ करके आप यूट्यूब का एक बहुत अच्छा सा और अट्रैक्टिव थंबनेल भी बना सकते हैं।